लाहौर पुलिस की बिचड़ों को मिलवाने की रवायत बरकरार। बागबानपुरा पुलिस ने गुमशुदा बच्ची को तलाश करके वालिदैन के सुपुर्द कर दिया। 3 साल बच्ची शबिया की गुमशुदगी की 15 कॉल पर बागबानपुरा पुलिस का फौरी एक्शन। SP कैंट डॉक्टर मोहम्मद रजा तनवीर ने फौरी बच्ची की तलाश के लिए टीम तश्कील दी। वायरलेस कॉल्स, सोशल मीडिया पर तश्हीर और मसाजिद में ऐलानात करवाए गए। बागबानपुरा पुलिस ने बच्ची को तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। वालिद ने बच्ची को बाहिफाजत वापस मिलवाने पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं दी। जुर्म के खात्मे के साथ साथ कम्युनिटी पॉलिसिंग को भी फरोग दिया जा रहा है। SP कैंट डॉक्टर मोहम्मद रजा तनवीर। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस के अहकाम की रोशनी में इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस का इंसदाद पतंगबाजी के हवाले से क्रैकडाउन जारी। पतंगबाजी की रोकथाम के लिए थानाजात की सतह पर कार्रवाइयां तेज। अवामी आगाही मुहिम, पतंगबाजी के तदराक के हवाले से चौक चौराहों पर बैनर जवेसा। बुलंद इमारतों, खुले मकाम और पुलिस मोबाइल से पतंगबाजी के तदराक के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं। पतंगबाजी के कंट्रोल के लिए बुलंद इमारतों से निगरानी की जा रही है। SP इकबाल टाउन रोजाना की बुनियाद पर पतंगबाजी की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम और मसाजिद में ऐलानात करवाए जा रहे हैं। SP इकबाल टाउन बुलंद इमारतों पर भी पतंगबाजी की रोकथाम के लिए ऐलानात कराए जा रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों को पतंगबाजी जैसे खूनी खेल से दूर रखें। डॉक्टर अमारा शेराजी। आवाम से इल्तमास है कि पतंगबाजी की रोकथाम के लिए पुलिस के साथ तआवुन करें। SP इकबाल टाउन पतंगबाजी, पतंग फिरोशी, पतंग साजी पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। SP इकबाल टाउन डॉक्टर अमारा शेराजी। सदर डिवीजन में मुनशत फिरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। चोहिंग चौकी शेरशाह पुलिस के कार्रवाई। बदनाम जमाना मुनशत फिरोश लियाकत अली गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो 340 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिम शेरशाह के इलाके में चल फिर कर मुनशत फिरोशी करता था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। नुमान खान इंचार्ज चौकी शेरशाह मुनशत फिरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। SP सदर। सदर डिवीजन में गैर कानूनी असलाह रखने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। रायवंड पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में फरुख बशीर, कमर रहमत और अल्लाजार शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से 2 जदीद राइफल्स, 3 पिस्टल और गोलियां बरामद। मुलजिमान के खिलाफ गैर कानूनी असलाह रखने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए। गैर कानूनी असलाह रखने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। SP सदर। खबर शामिल करते हैं हंगू से, खानजमान और कजई से। हंगू नौजवान खेलों की सरगर्मियों के साथ साथ इलाके से मुनशियात के खात्मे में भी अपना भरपूर किरदार अदा करें। इन ख्यालात का इजहार और कजई प्रेस क्लब के सदर शहीद खान और कजई ने मेहमान खसूसी की हैसियत से हयातबाद जूनियर लीग के फाइनल मैच के अख्ताम पर खिलाड़ियों से खिताब करते हुए किया। इफ्तताही मैच के मौका पर मेहमान खसूसी शहीद खान और कजई समेत सदर और कजई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट खान जमान और कजई सीनियर सहाफ़ी सारुल हक और असमत खान उल्ला ने भी शिरकत की। शहीद खान और कजई का कहना था कि नौजवानों को चाहिए कि वो खेल कूद के साथ साथ इलाके से मुनशियात जैसी लानत के खात्मे में भी अपना किरदार अदा करें। हयातबाद जूनियर लीग में मजमूई तौर पर 6 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में हयातबाद मारकोट ने पहले बैटिंग करते हुए 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 126 रन बनाए, जबकि मध्य मुकाबल हयातबाद केलंदर ने 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 87 रन बनाकर फाइनल मैच ट्रॉफी हार गए। मेहमानान खसूसी शहीद खान और कजई खान जमान और कजई और इसारुल हक ने फाइनल मैच जीतने वाली टीम और रनर अप टीमों के कप्तानों में ट्रॉफियां और नकद इनाम तकसीम किए।